सोशल मीडिया के जरिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेता बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर की गई अपनी पोस्ट कई बार उनके लिए मुसीबत बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत के साथ, जिन्होंने अपने विभाग की उपलब्धि बताने के लिए सोशल साइट पर एक रोड की तस्वीर पोस्ट करते हुए उसे जशपुर से सन्ना रोड 32 किलोमीटर बताया है, जबकि ये रोड मात्र 14 किलोमीटर ही बन पाया है। सन्ना से जशपुर तक बन रहे सड़क के निर्माण में मंत्री राजेश मूणत को गलत सूचना दी गई है। सन्ना से जशपुर तक 32 किलोमीटर की सड़क बननी है, लेकिन मात्र 14 किलोमीटर की सड़क ही बन पाई है, जबकि मंत्री जी के द्वारा 32 किलोमीटर के सड़क का मनोरम दृश्य पोस्ट किया गया है, जो सरासर गलत है। सन्ना से जशपुर के मध्य 32 किलोमीटर के सड़क का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा स्वीकृत हुआ है, जिसके निर्माण कार्य संबंधित ठेकेदार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार ठेकेदार के द्वारा उच्च सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री के साथ साथ उचित मापदंडों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिस कारण सड़क गुणवत्ताहीन तरीके से बन रही है। ग्रामीण सड़क निर्माण के संबंध में लामबंद हो आवाज उठाने की योजना बना रहे थे। इसी दौरान मंत्री राजेश मूणत के द्वारा फेसबुक में सड़क निर्माण के संबंध में पोस्ट डालने से ग्रामीण आग बबूला हो गए हैं। अभी जो सन्ना और जशपुर जो पक्की सड़क बनना था वो पूरा गलत बना है। और कितने किलोमीटर लगभग बना है? अभी सिर्फ लगभग 12 किलोमीटर आसपास ही बना है। तो मंत्री जी के पोस्ट को आप लोग देख के किस टाइप से आप लोगों को महसूस हुआ? दुखी हुए क्या? बहुत दुखी हुए हैं। तो इस पे मतलब आप लोगों का क्या कहना है, इसमें मांग क्या करना चाह रहे हैं? इसमें अभी जल्दी से जल्दी बनाया जाए, नहीं तो पूरा पंचायत मिलके पूरा सन्नत एरिया मिलके उग्र आंदोलन करेंगे। अभी लगभग 2 ही महीना बस हो गया है तो रोड पूरी तरीके से बह गई है, क्षतिग्रस्त हो गया है। जो मंत्री जी के द्वारा कल पोस्ट किया गया कि सन्ना से जशपुर रोड का 32 किलोमीटर निर्माण हो चुका है, तो मंत्री जी को मैं बता देना चाहता हूं कि आपको गलत रिपोर्टिंग किया गया है और जो रोड का निर्माण हुआ है वो 32 किलोमीटर नहीं 12-14 किलोमीटर के लगभग हुआ है रोड का निर्माण, और वो भी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और रोड का निर्माण हुआ 2 महीना ही हुआ है मात्र, और 2 महीना में ही पूरा रोड बह गया है। ये ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 2-4 महीना बाद ये इस रोड में आना जाना लोगों का दुर्भर हो जाएगा, रोड भी बंद हो सकता है। और हम लोग सारे लोग मिल करके उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं इस रोड पे, ये पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त रोड बना है, और अगर इस पे अच्छी से जांच नहीं होती है और कार्रवाई नहीं होती है दोषियों पे, तो हम लोग सारे लोग मिल करके इस पे उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। ग्रामीणों के अनुसार सड़क के निर्माण में बरती गई लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ वे एकजुट होकर कार्रवाई एवं FIR के लिए योजना बनाए हुए हैं। मंत्री राजेश मूणत के द्वारा किए गए पोस्ट पर भी आपत्ति जताते हुए ग्रामीणों ने कहा कि पहले मंत्री जी खुद सड़क के गुणवत्ता एवं निर्माण के बारे में अवगत हो जाएं, उसके बाद ही कुछ पोस्ट करें। ग्रामीणों का कहना है कि मंत्री राजेश मूणत के द्वारा उनके विभाग का सड़क निर्माण का पोस्ट डालने से इस बात का प्रमाण मिल रहा है कि ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मंत्री से साठगांठ है। वहीं सन्ना ग्राम पंचायत के सरपंच का कहना है कि इस क्षेत्र के आदिवासियों के साथ हमेशा से ही सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। देखिए, सन्ना से जशपुर रोड लगभग अभी का स्थिति में देखेंगे निर्माण कार्य को तो लगभग वही 14 किलोमीटर आसपास तक का निर्माण हुआ है जी। उसके बाद में उधर अभी भी वही स्थिति में है पहले का जो स्थिति था। अभी जो निर्माण जो हुआ है उसमें भी अगर देखते हैं तो पहली बारिश में ही पूरा उखड़ गया, जिससे ये साबित होता है कि जिसका निर्माण हुआ है बिल्कुल ही गुणवत्ता विहीन है। और अब सुनने में आ रहा है कि ये जो रोड निर्माण हुआ है जो गुणवत्तापूर्ण एकदम पूर्ण हो चुका है 32 किलोमीटर तक, ऐसा सुनने में आ रहा है, किंतु ये गलत सूचना है। और ऐसे गलत सूचना से हमारे पहाड़ी क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र लोग दुखित हैं, जो कि इनके क्षेत्र में विकास के लिए करोड़ों रुपये जो आ रहे हैं जिसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है, और लोगों को जो आवागमन का साधन है जो बिल्कुल ही साधन विहीन होते जा रहा है, इस क्षेत्र के जो भी आदिवासी लोग हैं इनके साथ एक सौतेला व्यवहार ही समझा जा सकता है।
भाई इस तरीके से शासन प्रशासन जो टेंडर दिए हैं उनके ऊपर जांच करके इनका उचित कार्यवाही करना चाहिए, और जिसके लिए हम लोग अभी भी गांव स्तर में बातचीत कर रहे हैं और गांव वाले भी काफ़ी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। आने वाला समय में जिस पर सड़क में उतर करके हम जिस पर आवाज़ उठाने का भी मैंने प्रयास विचार बना रहे हैं। तो सरपंच साहब, मंत्री जी के द्वारा पोस्ट किया गया है कि 32 किलोमीटर तक सड़क निर्माण किया गया, तो मतलब उस पर क्या कहना है मंत्री जी को? जी सर, इसमें देखा जाए तो मंत्री जी को गलत सूचना दिया गया है, जबकि हम उसी क्षेत्र में आना जाना रोज कर रहे हैं, देख रहे हैं। 32 किलोमीटर बिल्कुल ही निर्माण नहीं हुआ है। सन्ना से हम आगे जाते हैं तो केराकोना तक निर्माण ही हो पाया है, ऐसे गलत तो सूचना। आगे आप लोग क्या चाहते हैं? जी हम तो शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि जिसे भी ठेका में दिए हैं उन पर अपना कागजी कार्यवाही के द्वारा उन पर दबाव किया जाए और तत्काल ही जो भी निर्माण अधूरा है उनको पूरा किया जाए। For more information, log on to www.clips.in.